गुजरात के बड़ोदरा में आज तड़के दो इमारतें जमींदोज हो गईं। ये दोनों इमारतें तीन मंजिला थीं। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 35 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे से अब तक आठ शवों को निकाला जा चुका है जबकि सात लोग जिंदा निकाले गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब घरों में ज्यादातर लोग सो रहे थे। माधव नगर में बने ब्लॉक नंबर 10 और 11 धराशायी हुए हैं। इस ब्लॉक में 14 फ्लैट थे। ये ब्लॉक बड़ोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बनाए हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां पहुंची हुई हैं। राहत और बचाव का काम जोरों पर चल रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मलबे को हटाने का काम जारी है। वहां पर तमाम जेसीबी के साथ ही कई मशीनें मंगाई गई हैं जिनकी मदद से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। आसपास के इलाकों में मौजूद लोगों को जैसे ही ये खबर लगी वो लोग वहां पर पहुंचे भी हुए हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 साल पुरानी ही ये इमारत थी लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्शन के काम में जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है कहीं न कहीं वो सही नहीं था, इसी वजह से ये इमारत पूरी तरह से जर्जर हो गई थी और उसके बाद ये इमारत भरभराकर गिर गई। आप देख पा रहे हैं घर में रखा कुछ सामान, किचन के कुछ बर्तन आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। 30 से 40 लोग मलबे में दबे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालना बड़ी चुनौती इस वक्त बचावकर्मियों के सामने है। और आपको बता दें कि ये मकान, जो दो मकान गिरे हैं, वो गुजरात अर्बन सोसाइटी की ओर से बनाए गए हैं। बहरहाल पूरे मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख भी जाहिर किया है और नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री मौके पर पहुंच रहे हैं।